हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही फिल्म पानीपत, पति पत्नी और वो, कमांडो और होटल मुंबई के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। साथ ही में दोस्तों बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म होटल मुंबई के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है डायरेक्टेड बाय एंथनी मारस। बता दें दोस्तों आपको कि यह फिल्म 2008 में हुए मुंबई अटैक्स के ऊपर बनाई गई फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको देव पटेल और अनुपम खेर नजर आए हैं। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन लगभग 1,08,00,000 रुपए की कमाई की, लेकिन दोस्तों उसके बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले। इसी वजह से इस फिल्म के जो फर्स्ट वीक के कलेक्शन थे वो रहे थे लगभग 8 करोड़ रुपए के। सेकंड वीक में भी दोस्तों इस फिल्म को खूब पसंद किया गया, लेकिन दोस्तों कई सारी नई फिल्में रिलीज होने के बाद इस फिल्म का जो सेकंड वीक का टोटल कलेक्शन हुआ है वो अभी तक का हुआ है 2 करोड़ रुपए का। इस तरह से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ की कमाई अपने 13 दिनों में कर चुकी है और दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई है। बात की जाए यहाँ पर अब फिल्म कमांडो 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों ये फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है और इस फिल्म के लीड में एक बार फिर से आपको बॉलीवुड के रियल एक्शन स्टार विद्युत जामवाल, अदा शर्मा और अंगिरा दत्त नजर आई है। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य दत्त ने। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2,500 स्क्रीन पर पिछले हफ्ते रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने जहाँ अपने पहले दिन लगभग 4,74,00,000 रुपए की कमाई की थी, वहीं दोस्तों इस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड का जो कलेक्शन था वो रहा था लगभग 18 करोड़ रुपए का। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। इसी वजह से इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में टोटल कमाई की थी 29,24,00,000 रुपए की। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इन 13 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 30 करोड़ दोस्तों इस फिल्म का बजट है। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन हुआ है लगभग 43 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पर बात कर लिया है इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो और पानीपत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म पति पत्नी और वो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और ब्यूटीफुल अनन्या पांडे नजर आई है। वही दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मुदस्सर अजीज ने। दोस्तों टी सीरीज के निर्माण में बनी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 2,800 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी ताबड़तोड़ कमाई की और कमाई 9,10,00,000 रुपए, जो कि कार्तिक आर्यन के कैरियर की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी थी। सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने अपने सेकेंड डे में कमाए 12,33,00,000 रुपए और अपने थर्ड डे में कमाए 14,51,00,000 रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 36 करोड़ रुपए की शानदार कमाई करके कार्तिक आर्यन के कैरियर की बिगेस्ट वीकेंड हासिल करने वाली फिल्म भी बन चुकी थी। अब यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म के वीकडेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि मात्र 30 करोड़ के बजट से बनने वाली इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर खूब पसंद किया जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म ने वीकडेज में भी काफी शानदार होल्ड किया और जहां इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए 5,70,00,000 रुपए, वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने पांचवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग सेम ही कमाई की और कमाए लगभग 5,40,00,000 रुपए। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 46 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। दोस्तों आज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 6वां दिन चल रहा है और आज भी दोस्तों इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो काफी शानदार रही। इसी वजह से दोस्तों आज का इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो रहा है लगभग 5 करोड़ रुपए का और इसी के
साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है लगभग 52.4 करोड़ रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो खूब पसंद किया जा ही रहा है, साथ ही में दोस्तों इस फिल्म का ओवरसीज से भी कलेक्शन काफी शानदार रहा है और इसी वजह से ये फिल्म अपने शुरुआती 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 68 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है। इस तरह से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस सहित वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। अब यहाँ पर बात की जाए फिल्म पानीपत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म है। दोस्तों ये फिल्म वीर मराठाओं के शौर्य और साहस के ऊपर बनाई गई फिल्म है, जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानी राजा अहमद शाह अब्दाली को पसीने छुड़ा दिए थे। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को भी इसी हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। एक काफी शानदार एक्शन सिक्वेंस वाली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से तो काफी अच्छे रिव्यूज मिले, लेकिन दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर काफी नेगेटिव रिव्यूज दिए। उसके बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार संजय दत्त, अर्जुन कपूर और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म ने, जहां अपने पहले दिन तो लगभग 4 करोड़ 12 लाख रुपए की कमाई नेट बॉक्स ऑफिस पर की, वही दोस्तों इस फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन था लगभग 5 करोड़ 78 लाख रुपए का और अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाई 7 करोड़ 78 लाख रुपए। इस तरह से ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 17 करोड़ 62 लाख की कमाई कर चुकी थी। चौथे दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की और कमाई है 2 करोड़ 59 लाख रुपए। वही दोस्तों अपने पांचवे दिन इस फिल्म ने कमाई है 2.5 करोड़ रुपए। बात की जाए आज यानी कि अपने छठे दिन की, तो दोस्तों आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ 20 लाख की कमाई कर रही है। इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा 25 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने 6 दिनों में कमा चुकी है लगभग 42 करोड़ रुपए। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 70 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस हिसाब से इस फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए लगभग 70 करोड़ से अधिक की कमाई करनी होगी और ये फिल्म अपने शुरुआती 6 दिनों में अभी तक 25 करोड़ के आंकड़े तक ही पहुंच पाई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से कितना हो सकता है? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये तो रही इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात। अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों अपकमिंग फिल्म मर्दानी 2 के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में, जो कि मर्दानी का सिक्वल है। बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट्स पर बनी है और इस फिल्म के लीड में आपको रानी मुखर्जी एक बार फिर से शिवानी शिवाजी राव के किरदार में नजर आने वाली है। बात करें दोस्तों अगर इस फिल्म के बारे में, यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी हफ्ते रिलीज किया जाना है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है गोपी पुथरन ने, वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा यानी कि यशराज फिल्म्स। अब यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीन्स और बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 3 से 4 नई फिल्में रिलीज होने वाली है। इसी वजह से दोस्तों मर्दानी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1500 से 1800 स्क्रीन मिल सकती है। दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर तो काफी शानदार आया था, इसी वजह से इस फिल्म का जो पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रह सकता है लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों अगर इस फिल्म को रिव्यूज अच्छे मिलते हैं तो यह फिल्म मर्दानी 1 की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर सकती है और लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आसानी से कमा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मर्दानी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप भी इन सभी फिल्मों की लेटेस्ट न्यूज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।